achievement test. So in this lecture you will learn how to, what is achievement test, how to prepare a blueprint, and how to prepare or construct a question paper based on the blueprint. So first of all, we will try to understand what is achievement test. Achievement test, इंग्लिश में अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं इसको, हिंदी में निष्पत्ति परीक्षण, संप्राप्ति परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, कई नाम है टेस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं. अचीवमेंट टेस्ट, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इन दिस टेस्ट वी ट्राई टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द कंसर्निंग सब्जेक्ट्स. किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे ने कितना अचीव किया है ये जानने के लिए ही हम अचीवमेंट टेस्ट को अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. अभी लिखिए नहीं कुछ भी, सिर्फ सुनिए और समझिए. लिखने के लिए बहुत टाइम आपको मिलेगा. मेजर अ पर्सन्स नॉलेज, स्किल, अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा इन अ गिवन फील्ड टॉट इन स्कूल. यानी क्लासरूम में एक बच्चे ने अपने सब्जेक्ट में कितना अचीव किया है ये जानने के लिए टीचर जो है वो अचीवमेंट टेस्ट को. निष्पत्ति परीक्षण के काल, इसके क्या काम होते हैं? निष्पत्ति परीक्षण, सूचना परीक्षण, शैक्षिक स्तर का निर्माण करते हैं. ये सीखने के लिए प्रेरणा होती है. किसी सब्जेक्ट में उसने कम मार्क्स आए हैं तो वो कैसे आगे बढ़ने के लिए काम करेगा, दूसरे बच्चों को देखकर या टीचर की हेल्प से कैसे मोटिवेट होता है. ये शिक्षण प्रवृत्ति के चयन में सर, शिक्षक प्रवृत्ति यानी टीचिंग मैन अप्लाइड बाय द टीचर. टीचर जिस भी टेक्निक, जिस भी मेथड को अपने सब्जेक्ट में अप्लाई करता है, अगर उस मेथड के थ्रू बच्चे में कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर इट इज़ ऑल्सो अचीवमेंट, इट इज़ ऑल्सो अ टेस्ट, इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर ऑल्सो. टीचर भी अपने आप को ये चेक करने के लिए कि किस विधि के थ्रू अगर हम पढ़ाएं तो बच्चे का जो अचीवमेंट लेवल है वो बढ़ जाएगा, वो अपनी मैथडोलॉजी में भी चेंजेस करता है, खुद को भी इवैल्यूएट करता है कि कैसे करना है. निष्पत्ति परीक्षण, शैक्षिक निर्देशन, जो एजुकेशनल गाइडेंस की हम बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट वाइज हम अचीवमेंट टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये कहा बताया जा सकता है, उनको गाइडेंस दी जा सकती है कि आप किस सब्जेक्ट को लेकर के अपना आगे का करियर बनाएंगे. तो एजुकेशनल गाइडेंस भी होती है. पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम में अगर लग रहा है कि कोई चीज़ चेंज करके उनको सिखाया जा सकता है तो इस तरीके से हम चेंज भी कर सकते हैं. कक्षा की कठिनाइयों को समझ पाने में भी सहायक, यानी क्लासरूम कंडीशंस में कई बार हो सकता है कि बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो, लाइट की व्यवस्था नहीं हो, इस वजह से भी बच्चों का अचीवमेंट जो है वो प्रभावित होता है. तो क्लासरूम की कंडीशन को भी समझ करके, क्योंकि जब हम रीजंस पे जाते हैं, टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट के थ्रू उनके हमें मार्क्स पता चलते हैं और फिर हम रीजंस को शॉर्ट आउट करते हैं कि क्यों आया जाता ज़्यादा बच्चों पे नहीं. संप्राप्ति परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण वही चीज़ है. अब आते हैं शिक्षक अधिगम प्रक्रिया द्वारा छात्रगण अपनी विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं का विकास करते हैं. क्या आप समझ रहे हैं? विद्यार्थियों ने किस सीमा तक अपनी बौद्धिक योग्यताओं का विकास किया है यही उनकी संप्राप्ति का सूचक है. शैक्षिक उपलब्धि के मापन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को उपयोग में लाया जाता है. इन्हें कई आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है. ये आप समझ गए कि व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट. बच्चे जो है अपने अपने सब्जेक्ट में, कंसर्निंग सब्जेक्ट में, इंग्लिश के जो हम अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं, इंग्लिश के मेथड वाले इंग्लिश के लिए बनाएंगे, हिंदी वाले हिंदी के लिए बनाएंगे. तो ऐसे ही जो सब्जेक्ट टीचर है वो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस सब्जेक्ट में बच्चों ने कितना अचीव किया है. कोई बैठे बैठे बनाओ टेस्टों के अगर हम टाइप्स देखें, जो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं अचीवमेंट टेस्ट, तो पहला एक जो प्रकार है अगर हम इनको उपयोग करें तो उसके आधार पर संप्राप्ति परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण. संप्राप्ति परीक्षण जो अभी हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट टेस्ट हो गया, और दूसरा जो टाइप है दैट इज निदानात्मक या डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये जो दो टेस्ट हैं ये स्कूल लेवल पर, एज अ टीचर स्कूल लेवल पर ये दो ही तरीके के जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं. पहला तो आपने संप्राप्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण की बात हम कर ही रहे हैं कि वो मेजर करने के लिए होते हैं, और दूसरा है डायग्नोस्टिक. डायग्नोस्टिक जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये टू डायग्नोस द प्रॉब्लम, द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट इन द कंसर्निंग सब्जेक्ट. डायग्नोस करना और डायग्नोस करके उनकी प्रॉब्लम्स का पता करा करके फिर
फिर उसके आधार पर किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट को निर्माण करना। टेस्ट के थ्रू वीकनेसेस को जानते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं, बुखार आ गया, खांसी आ रही, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं कि हम सिम्टम्स पूछ रहे हैं, कब से आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, और कई बार वो पता करने के लिए कई टेस्ट भी लिख देते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा या एक्सरे कराइएगा। तो डॉक्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डायग्नोज द प्रॉब्लम और इन दिस वे ट्राई टू रेमेडी द पेशेंट इन द सेम मैनर। जो टीचर है वो भी यही काम करता है अपने लेवल पर। अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि इस सब्जेक्ट में बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। सपोज अगर इंग्लिश की हम बात लें, वो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कर रहा है तो या कुछ मीनिंग नहीं कर पा रहा है, तो समझ में आता है ना कि उसको वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है। इट मीन्स वोकैबुलरी से रिलेटेड उसके लिए टेस्ट का निर्माण करना। या मैथ्स की बात लें, उसमें उसको एडिंग में एडिशन में प्रॉब्लम हो रही है या मल्टीप्लिकेशन के सम्स वो गलत कर रहा है, तो जो टीचर है वो समझ जाता है किस पॉइंट पर बच्चे को दिक्कत हो रही है और उससे रिलेटेड वो टेस्ट को निर्माण करके बच्चों को अप्लाई करने के लिए या पढ़ाने के लिए देता है। तो सब दो हमने देखे उपयोग के आधार पर, एक हो गया हमारा अचीवमेंट टेस्ट जिससे हम अचीवमेंट पता करते हैं, और डायग्नोस्टिक में उनके डायग्नोस करके प्रॉब्लम्स को और उसके थ्रू रेमेडी या उस तरीके के टेस्ट को बना करके टीचर जो है उनकी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब आता है प्रश्नों की प्रकृति यानी निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, निबंधात्मक एसे टाइप क्वेश्चन और दूसरा वस्तुनिष्ठ एसे टाइप में डिस्क्रिप्टिव होते हैं। अपनी जो मौलिक चिंतन है या नेचर है उस सबका पता चलता है, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में वन वर्ड में वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो वन वर्ड में आंसर होता है। और एग्जैक्ट इन प्रश्नों की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो वो बहुत है, उनकी भी बात करेंगे। निर्माण के आधार पर हम कहें अमानकीकृत और मानकीकृत। मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मीन्स ऑन द इसके आधार पर जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उनका जो लेवल है वो बहुत ऊपर होता है। यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ही पर ही जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कैसे बनते हैं, उनकी रिलायबिलिटी उनकी वैलिडिटी को चेक करके आइटम एनालिसिस का स्टेप फॉलो करके। आइटम एनालिसिस में फर्स्ट ट्राई आउट करते हैं, कोई भी क्वेश्चंस बना लिए, क्वेश्चंस को फर्स्ट ट्राई आउट के लिए किसी ग्रुप पर दिया, जिन क्वेश्चन आइटम्स को हटा करके फिर जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकाल करके और फाइनली उसको टेस्ट को अप्रूव किया जाता है, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो आइटम्स हैं वो बहुत सेलेक्टेड होते हैं और उनके जो आंसर्स हैं वो एम्बिगुअस नहीं होते हैं। वन वर्ड अगर व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एक क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो सभी एक ही देंगे, तो ये होता है रिलायबिलिटी। यानी और रिलायबिलिटी का मीन्स वैसे क्या है, रिलायबिलिटी मीन्स एक ही टेस्ट को कितनी भी बार अप्लाई किया जाए उसके मार्क्स सेम आए। आज हम अप्लाई करें, 15 दिन के बाद करें या 1 महीने के बाद करें, तो वो जो टेस्ट है वो रिलायबल तब कहलाएगा जब उसके मार्क्स में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। ये है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी मीन्स जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए वो टेस्ट बनाया गया है वो उसी टेस्ट को उसी को मेजर करें। मीन्स इंटेलिजेंस का अगर टेस्ट है तो उसमें पर्सनालिटी के क्वेश्चन नहीं होंगे, पर्सनालिटी का टेस्ट है तो उसमें इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं होंगे। मीन्स यानी अचीवमेंट टेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, हिंदी मैथड की बात कर रहे हैं तो हिंदी मैथड में हम इंग्लिश के या मैथ्स के क्वेश्चन को नहीं डालेंगे। अगर अचीवमेंट टेस्ट हम चाहें तो सारे सब्जेक्ट्स का लेकर के भी बना सकते हैं, उसमें हिंदी भी डाल दें, लेकिन हम अगर नेचर की बात करेंगे तो अचीवमेंट टेस्ट इज सब्जेक्ट बेसिस। इसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट से इसका रिलेशन होता है। हिंदी वाले हिंदी से ही रिलेटेड का अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं और मैथ्स वाले मैथ्स का ही बनाएंगे। अमानकीकृत जिसको हम टीचर मेड टेस्ट भी कहते हैं, टीचर मेड टेस्ट जो कि हम क्लासरूम में जब हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट टेस्ट की तो ये टीचर मेड टेस्ट ही कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर ही इनके टेस्ट आइटम को क्वेश्चन पेपर को बनाता है और टीचर ही चेक करता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये टीचर मेड टेस्ट है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी टीचर ही है और इसकी लिमिटेशन है वो भी टीचर ही है, क्योंकि उसी को बनाना है उसी को। अगर टीचर को थोड़ा सा अपने इवेल्युएशन और मेजरमेंट की जानकारी है, उस सब्जेक्ट की जानकारी है, तो वो
वो जो टेस्ट आइटम बनाएंगे वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के अकॉर्डिंग बहुत कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तरह ही होगा। यानी उसको पता होगा ना कि हमको किस तरीके के आइटम्स यहाँ पर रखने हैं, वो शॉर्ट आंसर में है या वेरी शॉर्ट आंसर में है, ऑब्जेक्टिव में है, तो किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो जो टीचर है वो अगर वैल्यूएशन की उसको जानकारी है, मेजरमेंट की जानकारी है, तो जो टेस्ट आइटम फ्रेम करेगा, जो क्वेश्चन फ्रेम करेगा, वो बहुत कुछ अच्छे होंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तरह होंगे। तो हम बात करें टीचर ने टेस्ट, और टीचर जब बनाता है तो यहाँ पर टीचर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो शॉर्ट आंसर दे, वो लॉन्ग आंसर दे। और जो हम की बात कर रहे हैं नेक्स्ट है अभिव्यक्ति, यानी मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक। यानी यहाँ पर टीचर के पास ये एक ऑप्शन होता है कि वो ओरल टेस्ट ले ले या रिटर्न मिलेगा या कितने क्वेश्चन को बनाएगा, कितनी यूनिट में से बनाएगा, ये सब टीचर पर बेस होता है। और टीचर को ये पता होता है बहुत अच्छे से कि उसके पास उसका जो सब्जेक्ट है उसका कौन सी यूनिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा वेटेज रखती है, इसको भी ध्यान में रखकर आगे बनाने होंगे क्वेश्चंस। तो टीचर को बहुत अच्छे से मालूम होता है, इसलिए टीचर मेड टेस्ट हैं वो भी बहुत कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तरह ही होते हैं। लेकिन हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जो बात कर रहे हैं वो मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े लेवल पर एग्जामिनेशन हो रहा है, वहाँ पर किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी की कोई उम्मीद नहीं रखी जाती है। क्लासरूम टेस्ट में जो टीचर है वो कोशिश करता है कि बहुत कुछ अच्छा टेस्ट वो बनाए। तो हमने देखा कि परीक्षण चार तरीके के उनके आधार पर होते हैं, अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक। आज हम लोग अचीवमेंट टेस्ट की ही बात कर रहे हैं, और उसमें भी टीचर मेड टेस्ट उनको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये टीचर ही बनाता है। इनके उद्देश्य क्या है, क्यों हम बनाते हैं? उपलब्धि के सामान्य स्तर का निर्धारण करना, यानी हर बच्चे का जो अचीवमेंट का लेवल है वो हमको लगभग बराबर करना है। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये भी आप समझ रहे हैं कि जब उनके मार्क्स कम आएंगे तो टीचर कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा काम देगा, क्लासेस अटेंड करने के लिए मोटिवेट करेगा। अध्ययन कार्य में सुधार लाना, इससे उनका स्टडी का वर्क है वो भी बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाता है। विद्यार्थियों को शैक्षिक मार्गदर्शन, अभी आपने पहले ही इस बात को जाना, वर्गीकरण और प्रोन्नति में सहायता करना। विद्यार्थियों का वर्गीकरण और प्रोन्नति, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, टीचर के पास एक आइडिया हो जाता है कि ये बच्चे कुछ ऊपर लेवल के हैं, ये एवरेज के हैं, तो इस तरीके से वो जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकता है कि इन बच्चों को हमें अलग से काम देना है, रिमेडियल टीचिंग करनी है या कुछ भी करना है। बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन, वही कुछ है। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का पता लगाना, विद्यार्थियों ने किस लेवल, अचीवमेंट का नाम ही है अचीव करना, किस लेवल तक उन्होंने अचीव किया है इसका पता चलता है। शिक्षा के उद्देश्यों की, उद्देश्यों की प्राप्ति, आप लोगों ने अभी भी मैथ पर पढ़े हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स पढ़े ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तो वो जो उद्देश्य है वो किस लेवल तक बच्चों ने पता प्राप्त किए हैं इसका भी पता इनके थ्रू लगता है। शैक्षिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन देने में सहायता करना। अगर हम बात करें कि ये जो टेस्ट बनते हैं या कोई भी टेस्ट बनते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, किस आधार पर बनाया जाता है, तो पहला होता है उसका उद्देश्य। हमारे पास जो एम है वो हमारा डिसाइडेड होना चाहिए। जैसे पहले बात करी कि अगर हम इंटरेस्ट का, पर्सनैलिटी का कोई टेस्ट बना रहे हैं तो हमारा एम क्या है, उनकी पर्सनैलिटी को मेजर करना। क्लासरूम में तो हम इस तरीके के टेस्ट बनाते नहीं हैं, ना पर्सनैलिटी का बनाते हैं और ना ही हम कोई इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए, ना इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बनाते हैं। क्लासरूम में तो खाली हम अचीवमेंट टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट की ही बात करते हैं। दूसरा आता है विश्वसनीयता। अभी आपको क्लियर किया विश्वसनीयता क्या होती है, रिलायबिलिटी। किसी भी टेस्ट को जितनी भी बार अप्लाई किया जाए उसके मार्क्स सेम आए, कितने भी समय के बाद अगर हम करते हैं अप्लाई तो वो सेम आते हैं, दैट इज़ रिलायबिलिटी। वैलिडिटी, जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए, इंटरेस्ट के लिए अगर किया गया है, अचीवमेंट के लिए किया गया है, तो जिसको मेज़र करने के लिए किया गया है उसी को मेज़र करेगा। मिथवेई, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला ना हो, उसमें बहुत सारे सामान की ज़रूरत ना पड़े, कई बार कंडीशंस नहीं अलाउ करती हैं कि हम उस तरीके का खर्चा कर पाए। विभेदकारी यानी डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों को क्लास में डिस्क्रिमिनेट करें, मीन्स क्या है, पता चले उस टेस्ट के थ्रू कि कितने बच्चे ऊपर लेवल पर हैं, कितने बच्चे एवरेज लेवल पर हैं और कितने नीचे हैं, जिससे उन पर काम किया जा सके। तो ऐसा जो भी टेस्ट बने उसमें सारे ही बच्चे 100 out of 98 नहीं लाएं, ऐसा टेस्ट नहीं हो जिसमें सभी के 100 में से 30 ही नहीं आए, जो उसका डिफिकल्टी
जरूरी लेवल है वो डिसाइड करके ही, वो ये देख करके ही बनाया जाता है। व्यापकता यानी सारे, व्यापकता से मतलब व्यापक मीन्स सारे कोर्स को कवर करे, जितना भी यूनिट हम लेना चाह रहे हैं, जितनी भी चीज़ों को मेजर करना चाह रहे हैं उस टेस्ट के थ्रू, वो सारी यूनिट को कवर करेगा। उसका वेटेज हम बाद में डिसाइड करेंगे, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अनुकूलन और वस्तुनिष्ठता आपको बताया, जहाँ पर भी जो टीचर है या जो चेक कर रहा है उसकी अपनी सब्जेक्टिविटी, किसी भी स्टूडेंट के प्रति अगर वो प्रिजुडाइज्ड है तो उसकी कहीं संभावना नहीं हो। यानी अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो वो जो आंसर देगा उस पर टीचर को एक नंबर देना ही पड़ेगा। इट मीन्स ऐसा टेस्ट बने जहाँ पर टीचर की सब्जेक्टिविटी की कोई भी गुंजाइश नहीं हो। कई बार टीचर्स प्रिजुडाइज होते हैं तो बच्चों को बात हुई कि जो भी परीक्षण बनता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अब हम बात करेंगे इकाई क्या है, इकाई जिस पर कि आपको अपना टेस्ट बनाना है। तो अभी हमने देखा, और अब हम देखेंगे कि इकाई अगर हम अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं तो हमको किस पर बनाना है एक इकाई। जैसे कि साइंस में आप लेते हैं एक इकाई होती है ना वायु या दाब। अब दाब से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सब उस इकाई के अंतर्गत आ जाएंगे। या मैथ्स में है कोई एक टॉपिक आपने लिया तो उससे रिलेटेड जितने भी मिलते जुलते हैं एडिशन से रिलेटेड वो उसी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इकाई को डिसाइड करते हैं। हिंदी और इंग्लिश में हम प्रोज और पोइट्री को इकाई मानकर चलते हैं। प्रोज से रिलेटेड जितने टॉपिक है वो प्रोज की यूनिट में आएंगे। आप जो भी टेस्ट बनाएंगे अगर प्रोज का बना रहे हैं तो उसमें प्रोज के ही सारे सब यूनिट्स रहेंगी, उस पर ही बनाएंगे। ग्रामर करेंगे तो खाली ग्रामर पर बनाएंगे। यूनिट क्या है, किसी विशेष विचार या विषय पर निर्मित पाठों के समुच्चय को इकाई नाम देते हैं। शिक्षण में इकाई का प्रयोग मॉरिशन ने किया था और मॉरिशन की इकाई का आधार मनोविज्ञान था। लेकिन आज जो हम, ये तो साइकोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन जब हम आज की बात करते हैं तो आज इकाई को उपगठ प्रचलित इकाई का आधार विषय वस्तु है। यानी यहाँ पर हमारे यूनिट से मतलब कंटेंट से है कि हम अपने टेस्ट में कंटेंट क्या ले रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ले रहे हैं, कौन सी यूनिट्स ले रहे हैं, सब यूनिट्स ले रहे हैं। अगर हमने बल लिया तो बल से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक लिए उनको हमें मेंशन करना होता है अपने टेस्ट में। हर उप इकाई अपने में पूर्ण होती है। इकाई परीक्षण क्या है, प्रत्येक शिक्षण इकाई के शिक्षणोपरांत विद्यार्थी की अधिकतम उपलब्धि हेतु बनाए गए परीक्षण को इकाई परीक्षण कहते हैं। यही बात हम लोग कर रहे हैं। इकाई परीक्षण बनाते समय इसकी प्रत्येक उप इकाई से प्रश्नों का चयन किया जाता है। यानी जब आप यूनिट सब यूनिट डिसाइड करेंगे तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि एक ही यूनिट से आपने 10 क्वेश्चन लेंगे और दूसरे से आप कोई नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। यानी आप जो डिवीजन करेंगे, प्रश्नों का चयन करेंगे, आइटम्स का सिलेक्शन करेंगे, वो सारी यूनिट से लगभग बराबर होगा। ये आपको डिसाइड करना है एज अ टीचर कि किस इकाई का वेटेज ज़्यादा है, उसको आप डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों का सिलेक्शन करते हैं। तो अगर जब हम बनाने चलेंगे अचीवमेंट टेस्ट तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, सर्टेन स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो। फर्स्ट इज परीक्षण का अभिकल्प। अभिकल्प मीन्स डिजाइन। डिजाइन से क्या मतलब है, एक खाका बना लेना, एक डिजाइन बना लेना। जब आप घर बनाने के लिए किसी इंजीनियर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, आपको अपने घर का मैप बना करके दे देता है। तो मैप में आप क्या देखते हैं, मैप बनाते समय क्या ध्यान रहता है कि कितना एरिया आपके पास है, ठीक है, कितने एरिया आपकी जितनी भी आपकी डिज़ायर है आप उसको बता देते हैं हमें ऐसा ऐसा चाहिए। और फिर वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, आपको दो फ्लोर का अगर मकान चाहिए तो दो फ्लोर का वो डिज़ाइन बनाएगा, या एक ही फ्लोर का चाहिए तो एक फ्लोर का बनाता है। आपने कितना एरिया खुला रखने के लिए छोड़ा है, कितने आपको रूम्स चाहिए, तो सारा कुछ आप बनाते हैं तब वो डिज़ाइन बनाकर देता है ना। ऐसे ही जब आप अचीवमेंट टेस्ट बनाएंगे तो आप एक डिज़ाइन पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे और हमारे प्रश्न आइटम्स कौन कौन से होंगे, यूनिट कौन सी होगी, किस यूनिट का कितना वेटेज होगा, ये सब आप उस डिज़ाइन में, जैसे कि और जब एक कोई घर का नक्शा है और एक कोई ऑफिस का नक्शा है तो क्या वो एक जैसा होता है, नहीं होता है ना। यानी वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जाता है। ऐसे ही आपका जो अचीवमेंट टेस्ट बनेगा किस पोर्शन का कितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आप 10-10 नंबर के आपने चारों जो ऑब्जेक्टिव लिए हैं चार 10-10 नंबर में सारे में डिवाइड कर दिया, चार चार ऑब्जेक्ट सब में आइटम्स रख दिए, ऐसे करके आप नहीं बनाएंगे। यानी जिस यूनिट में को जितना वेटेज देना है उसके अकॉर्डिंग आप इस डिज़ाइन में अपने आइटम्स को फिल करते हैं। तो आपने बना लिया, एक डिज़ाइन बनाया, पहला आपका स्टेप होगा, डिज़ाइन बनाना भी आपको बताएंगे आगे। फिर
हैं स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट आपका जो पोर्शन आता है, पहले आपने बात करी थी कि व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यानी एक खाका बनाना, एक पूरा डिजाइन बनाना जिसमें आप हर चीज सेट होगी आपके पास नंबर में, कि आपने ऐसे टाइप में चार क्वेश्चन लिए हैं इस डोमेन में, या अंडरस्टैंडिंग में आपने शॉर्ट में तीन क्वेश्चन लिए हैं, तो वो आपको सारा सेट करके अपने डिजाइन में दिखाना है। और फिर उसके आधार पर जो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा कंस्ट्रक्ट द टेस्ट पेपर, वो आप करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर आपका सारा जो ध्यान है, जो सारा लगना चाहिए वो इस पर ही होगा। इसमें जब नील पत्र या ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो इसमें क्या चीज़ें होती है, फर्स्ट है वेटेज ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो आपने अभी पढ़े हैं कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, उसमें चार छह तरीके के आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े होंगे। एक है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल्स, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ चार ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के ही बनाएंगे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल के बेस्ड। तो आपका पहला है कि शिक्षण लक्ष्यों में भारत को किस ऑब्जेक्टिव को हमें कितना वेटेज देना है, ये सब्जेक्ट वाइज आपको अपने यूनिट वाइज डिसाइड करना होगा, ठीक है, कि किस यूनिट में कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको हम वेटेज ज़्यादा दें। उप इकाइयों में फिर जो सब यूनिट्स, अगर हमने यूनिट एक बल या ताप बना ली, अब उसके जो हमने सब यूनिट्स ली हैं उसमें डिसाइड करेंगे कि कितना वेटेज देना है। विभिन्न वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइटम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइटम, चार तरीके के आइटम्स हम इस टेस्ट में बनाते हैं। फर्स्ट इज एसे टाइप, सेकेंड इज शॉर्ट आंसर, थर्ड इज वेरी शॉर्ट एंड फोर्थ इज ऑब्जेक्टिव। आपको सारा आगे के फॉर्मेट में दिखेगा। तो इन चार तरीके के आइटम्स में किस आइटम को कितना वेटेज देना है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले की ही टेबल में। पहले जो टेबल आपको दिखाएंगे इसके बाद उसमें आप डिसाइड कर लेते हैं, और लास्ट जो एक फाइनल ब्लूप्रिंट की टेबल बनेगी उसमें सारा सेट करना होता है। फिर नेक्स्ट इज वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स, यानी वही बात कर रहे हैं कि जब डिफिकल्टी लेवल यानी कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट अगर हम आइटम्स को या चैप्टर्स को ले लेंगे तो हो सकता है सारे बच्चे ना। तो डिफिकल्टी लेवल यानी हर क्लासरूम में सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट पेपर बनाना, दैट इज डिफिकल्टी लेवल, कि कौन सा क्वेश्चन है जिसको सारे बच्चे कर पाएंगे, कौन सा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसको सब लोग ना कर पाए, तो डिफिकल्टी लेवल को डिसाइड भी करना होता है। फिर है प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट, इसका नेक्स्ट आइटम है, मतलब स्टेप है प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट। परीक्षण नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिंग एंड सेलेक्टिंग द टेस्ट आइटम, वही बात आपको करना है कि जब आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो आप टेस्ट आइटम को जब आप ब्लूप्रिंट बना लेंगे वहाँ पर रख देंगे कि ऐसे में हमने चार क्वेश्चन लिए हैं शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में इस यूनिट से दो लिए, तो आप वो दो क्वेश्चन और वो चार क्वेश्चन आपको बाद में अपनी यूनिट से चैप्टर से देखकर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से आप दो और चार क्वेश्चन लेना चाहते हैं। दैट इज कंस्ट्रक्टिंग एंड सेलेक्टिंग द टेस्ट आइटम। पहले तो आप रफ में खाली नंबर बना लेंगे कि किस किस यूनिट से हमने दो नंबर कितने लेने हैं, दो लेने हैं, चार लेने हैं, इससे एक नंबर का तीन क्वेश्चन, तीन नंबर का एक क्वेश्चन लेना, पहले तो आप रफ में ये बनाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पर आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिंग एंड सेलेक्टिंग द टेस्ट आइटम, अब वो एक कंस्ट्रक्शन वाला कौन सा क्वेश्चन होगा जो हम स्टूडेंट से लेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप इज असेंबलिंग आइटम्स इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब जब वो सारा आपने ब्लूप्रिंट में सेट कर लिया कि लॉन्ग के हमने यहाँ पर इस यूनिट से एक क्वेश्चन लिया है, अंडरस्टैंडिंग में हमने वेरी शॉर्ट में दो क्वेश्चन लिए हैं, या एप्लीकेशन में हमने कंस्ट्रक्ट स्किल वाले में एक क्वेश्चन लिया है, तो वो आपको ऐसा वो सारे आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट स्टेप प्रिपेयरिंग स्कोरिंग की, प्रिपेयरिंग आइटम एनालिसिस टेबल एंड मॉडरेशन ऑफ टेस्ट। ये सारे स्टेप्स हैं लेकिन लास्ट के थ्री स्टेप अभी आपको फॉलो नहीं करने, अभी आपको सिर्फ ब्लूप्रिंट का कंस्ट्रक्शन और टेस्ट पेपर भी शायद नहीं करना, टेस्ट पेपर करना है। इतना आपको काम अभी यानी इस वाले पार्ट वन में करना होगा। नेक्स्ट जो आपका ये आता है फॉर्मेट ऑफ डिजाइन ऑफ द टेबल,
दिखा रहे हैं, तो आपने चार ऑब्जेक्टिव लेंगे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। ये चार आपकी टेबल, पहली टेबल ये बनेगी। योग हो गया 100%। और इस तरीके से आप मार्क परसेंटेज लेंगे, इसमें नहीं आ पा रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका शायद आपको दिखे, दिख रहा है, कुछ कुछ नहीं दिख रहा है। मार्क परसेंटेज रहेगा जैसे 28%। सपोज आप ये मान लीजिए, एक रफ आपको बना बता रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग में आपने लिया 12%, एप्लीकेशन में लिया 48% एंड कौशल में लिया 12%। अब आप पहले ये समझ लीजिए कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल, ये जो चार हम ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस किस ऑब्जेक्टिव में आएंगे। नॉलेज में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसे व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, तो रिकॉल और रिकॉग्निशन, पहचानना और रिकॉल से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके नॉलेज डोमेन में, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। अंडरस्टैंडिंग में क्या होते हैं, इंटरप्रिटेशन है, सॉरी इंटरप्रिटेशन नहीं, जो आपका डिफरेंट रिलेशनशिप एंड जो आपका डिस्क्रिमिनेशन बताएगा, रिलेशनशिप और सिमिलैरिटीज बताए, क्या समानता है और क्या दोनों में अंतर है, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका अंडरस्टैंडिंग में आएगा। एप्लीकेशन में ट्रांसलेशन है और इंटरप्रिटेशन है, स्पेसिफिकेशन है, ये जो क्वेश्चन है कंपेरिजन है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है वो आपके एप्लीकेशन में आ जाएंगे। और स्किल से रिलेटेड स्पीड है, एक्यूरेसी है, कितनी स्पीड से बच्चा काम करता है, टाइम लिमिट कई बार होती है, या एक्यूरेसी कितनी है, लोकेट करना, स्पेसिफाइड करना, कंस्ट्रक्शन करना, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो स्किल में आएंगे। समझ गया, चार तरीके के आपके डोमेन दिए गए हैं, ज्ञानात्मक में, नॉलेज में कौन कौन से आएंगे, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंशिएशन है, सिमिलैरिटीज जो बताएंगे वो आएंगे क्वेश्चन, एप्लीकेशन में कंपैरिजन है, इंटरप्रिटेशन है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन है, वो क्वेश्चन आएंगे। और स्किल में कहीं भी कंस्ट्रक्शन है या स्पीड है, एक्यूरेसी है, लोकेट करना, जैसे सोशल साइंस में ना एक मैप बना करके उसमें उस जगह को दिखाना कि किस स्टेट में ये चीज़ ज़्यादा है, इसलिए कोई क्वेश्चन आपने दे दिया वो जगह है यहाँ पर फाइंड आउट करो या लोकेट करो, वो क्वेश्चन तो स्किल से रिलेटेड, या साइंस में किसी चीज़ का फिगर कंस्ट्रक्ट करने को दे दिया वो आपका स्किल में आएगा। तो ये जो चार आप लेंगे, तो पहले आप मार्क परसेंटेज, सपोज आपने डिसाइड किया नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में, नॉलेज में 28% है सपोज, अंडरस्टैंडिंग में आपने 12% लिया है, और एप्लीकेशन में 48% और कौशल में 12%। कौशल में मोस्टली थोड़ा कम ही होगा, या आप देखेंगे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो भी पोर्शन है वो ज़्यादा होगा। अब अगर हम मार्क्स की बात करें, आप मार्क्स डिसाइड करेंगे, सपोज यहाँ पर आपने किया कि 7 नंबर आपने नॉलेज में दिए और 7 ही आइटम्स हैं, यानी एक एक नंबर, ये आपको पहले रफ में बना लेना होगा, आपने 7 बनाया और 7 यहाँ पर आया, तो ये 7 और 7 दोनों में आ गए, यानी एक एक नंबर का मार्क्स एक एक है और 7 आइटम है, तो आप समझ लेना एक एक नंबर के 7 आइटम होंगे। इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग में, ये अभी आपको बाद में दिखाने के पास से नोट कर लेना है, आपका 3 और 3 आइटम अगर हमने यहाँ पर रखे अंडरस्टैंडिंग में, 3 और 3 से मतलब है कि यहाँ पर भी एक ही एक नंबर के 3 आइटम होंगे, मार्क्स आपने 3 लिखे और आइटम भी आपने 3 लिखे, यानी ये भी एक ही एक नंबर के, इट मीन्स कि आपका ऑब्जेक्टिव वाले में जाएगा। फिर आप अगर एप्लीकेशन वाले में देखें, यहाँ हमने रफ में 12 मार्क्स रखे हैं और आइटम 3 है, यानी 4 आइटम है, यानी 3 3 नंबर के 4 आइटम है और वो 12 नंबर के हो गए, ठीक है। और क्वेश्चन में 3 मार्क्स का 1 आइटम, यानी एक जो कंस्ट्रक्शन वाला आइटम है उसके हमने 3 मार्क्स डिसाइड किए हैं। ये एक टेबल, पहली एक टेबल आपको ये बनानी होगी, इसको आप बाद में रफ में बना लीजिएगा। चैप्टर्स अपने सब्जेक्ट में लिए हैं, 5 सब्जेक्ट 5 चैप्टर्स लिए हैं, तो उन 5ों के नाम
लिखेंगे और मार्क्स को डिसाइड करेंगे किसको कितना देंगे। आप लिख दीजिए 4, फिर दूसरे में लिखिए 1, फिर तीसरे में 8, 4, टोटल जो आपने मार्क्स डिसाइड किए 25, यानी आपको डिसाइड करना है कि आप 25 का बनाइए, 50 मार्क्स का बनाइए पेपर, 100 मार्क्स का। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप कम आइटम लेकर, जब आपको सीखना है तो आप कम आइटम और कम मार्क्स लेकर के बनाएं, बजाय इसके कि अगर आपको किसी स्कूल का एक ऐसे टाइम टेबल बनाने को दिया जाए जहाँ की केवल दो ही टीचर हो और दो ही क्लास हो सपोज, तो आसानी से बन जाएगा ना। इसके बजाय अगर कहीं पर 10 टीचर हैं और 10 ही क्लास, 20 क्लास है मान लो, तो आपको टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप अपने काम को शॉर्ट कर दीजिए, आइटम 25 लीजिए या 50 लीजिए और इसी तरीके से मार्क्स भी कम लेकर के बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क्स लिए जैसे 25 और नंबर ऑफ आइटम में भी 2 है, 1 है, 5 है, 4 है, 3 है, इस तरीके से, यानी 15 आइटम नंबर ऑफ आइटम का जो टेबल है यहाँ पर आपको, यानी ये जो टेबल आप हैं पहले तक बना करके अपने आइटम्स को सेट कर लेंगे। यूनिट आपने नाम लिखा चैप्टर्स के, किस यूनिट का कितना वेटेज है, ये आपको जैसे आपने डिज़ाइन में सीखा था ना, यहाँ आप मार्क्स और आइटम से डिसाइड कर लेंगे कि किस यूनिट को हमें कितना वेटेज देना है, फिर आप टेस्ट पेपर बनाएंगे। फिर वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइटम, अब हमने जो 4 आपको तरीके बताए थे, टाइप्स बताए थे कि जिसमें ऐसे टाइप है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है और ऑब्जेक्टिव है, ये टेबल आपको बनानी है जिसमें आप किस टाइप को कितना वेटेज देंगे ये आपको डिसाइड करना है। नंबर ऑफ आइटम कितने रहेंगे और उसके मार्क्स कितने रहेंगे। टाइम से मतलब यहाँ पर है कि आधे घंटे का या 2 घंटे का जितने भी टाइम का आपका टेस्ट पेपर है वो आपको मेंशन करना है, आइटम से रिलेटेड नहीं है टाइम। यहाँ पर ऐसे टाइप में सपोज आपने नंबर ऑफ आइटम में 1 लिख दिया, मार्क्स में 5 लिख दिया, शॉर्ट में 2 शॉर्ट आंसर और यहाँ पर मार्क्स हो गए 6, वेरी शॉर्ट में 2 आपके नंबर ऑफ आइटम हो गए और मार्क्स हो गए 4, ऑब्जेक्टिव में सपोज आपने 10 ही आइटम लिए हैं और 10 ही उसके मार्क्स हैं, यानी एक एक नंबर का। तो इस तरीके से टोटल आपके आइटम बने 25 और यहाँ मार्क्स हो गए, सॉरी आइटम हो गए 15 और मार्क्स हो गए 25, यानी इतना ही आइटम लेकर पहले अगर आप रफ में बनाते हैं तो आपका, आप ही इसी तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि हर सब्जेक्ट में हर यूनिट का वेटेज अलग होगा, इससे आपको किस तरीके के क्वेश्चन लेने हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। नेक्स्ट जो आपकी एक टेबल आती है जो फाइनल टेबल है, जो आपने रफ में 3 टेबल बना ली हैं, अगर आप रफ में पहले सही से ही बना लेंगे तो फाइनल टेबल ये है, उन तीनों रफ का जो आइटम है वो आपको यहाँ पर फाइनली प्रोजेक्ट करना है। देखिए पहली आपकी टेबल क्या, इधर साइड पे क्या बनी है, ऑब्जेक्टिव्स जिसमें क्वेश्चंस हैं या टाइप्स ऑफ आइटम्स हैं और ऑब्लिक सब्जेक्ट या यूनिट, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आप अपने टॉपिक के नाम लिखते हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक आपने लिखा, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अपने अपने सब्जेक्ट में सभी को बनाना है। पहला आपने जो ऑब्जेक्टिव लिया है दैट इज नॉलेज, नॉलेज से रिलेटेड आपके लॉन्ग आंसर ऐसे टाइप होंगे, शॉर्ट होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे और ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक। तो लॉन्ग में अगर आपने पिछली वाली टेबल में ये डिसाइड कर लिया था कि लॉन्ग में हमको कितने ऐसे टाइप में कितने हमको यहाँ पर आइटम रखने हैं, क्वेश्चन लेने हैं, तो आप इसमें यहाँ पर फाइनली रखेंगे कि नॉलेज वाले ऑब्जेक्टिव में हमने लॉन्ग कितने क्वेश्चन लिए थे। सपोज यहाँ पर पीछे आप देखिए, हमने यहाँ पर लिया था नॉलेज में हमने 7, ठीक है, नॉलेज में अगर हमने 7 आइटम लिए हैं तो यहाँ पर हमको नॉलेज में 7 ही नंबर के 7 आइटम थे, तो आप शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में करके 7 नंबर में इनको बना सकते हैं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने यहाँ पर 2 ऐसे टाइप में हमने रफ में बनाया था, ऐसे टाइप में 5 नंबर, तो 5 नंबर का वो हो गया और 2 नंबर कहीं से और आप शॉर्ट में रख दीजिए या वेरी शॉर्ट में रख दीजिए, और इस तरीके से जब आप रफ में बना लेंगे तो आपको यहाँ पर फाइनल
प्रोजेक्ट करना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग कौन से क्वेश्चन किस कैटेगरी में किस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपने यूनिट्स डिसाइड कर लेंगे, उस यूनिट्स के नाम लिख लेंगे रफ में, और एक तरफ आप ऑब्जेक्टिव्स कौन से ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन रखने हैं ये आप डिसाइड करेंगे रफ में पहले, कि नॉलेज से रिलेटेड हमको इतना परसेंटेज देना है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड इतना, यानी 7 आइटम इससे रखने हैं नॉलेज से, या 6 आइटम को अंडरस्टैंडिंग में रखने हैं, स्किल से हमको 3 आइटम रखने हैं, एप्लीकेशन में 2 रखने हैं। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तब आप आते हैं कि हमको किसको किस हिसाब से यहाँ पर सेट करना है। वेरी शॉर्ट में अगर हमने 5 नंबर डिसाइड किए हैं तो वो वेरी शॉर्ट में होंगे कि शॉर्ट में होंगे कि ऑब्जेक्टिव में होंगे। और जब आप इतना कर लेते हैं तो फाइनल टोटल नेक्स्ट आपकी आती है टेबल, जब ये बन जाएगी तो इसके बाद नीचे आप टोटल करेंगे, और उस टोटल में जब आप यहाँ पर आइटम्स और नंबर लिखते हैं ना, तो ब्रैकेट के अंदर आप आइटम्स लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर उसकी मार्किंग करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप आइटम्स लिखेंगे कि 4 हैं, सपोज यहाँ पर लॉन्ग में आपने 2 क्वेश्चन लिए हैं, आपने उसको ब्रैकेट बनाया, और वो 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 7 के हैं या 5 के हैं, उसको आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे उसको अंदर। तो इस तरीके से आप हर कॉलम में मार्क्स और आइटम लिख करके लास्ट में जो टोटल वाला है, टोटल वाला जो दिख रहा है ना आपको कॉलम, उसमें आपको टोटल भी करना होता है इसी तरीके से, यानी आइटम्स के भी टोटल करेंगे और इन दोनों का टोटल जो आपने 15 और 25 का मार्क्स का बनाया है वो टोटल यहाँ पर आना चाहिए, उससे अलग नहीं आएगा। अगर आपने 50 नंबर मार्क्स का बनाया है तो सारे मार्क्स टोटल होकर के 50 ही आएंगे, ठीक है। तो आज आपने क्या देखा कि आप व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट जो हम बच्चों को सब्जेक्ट वाइज मेजर करने के लिए बनाते हैं दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। उस अचीवमेंट टेस्ट के कई सारे हमने देखे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, उस स्टेप